हाय फ्रेंड्स, आपको ये कंप्रेसर दिख रहा होगा जो डीप फ्रीजर का कंप्रेसर है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये कूलिंग तो करता है लेकिन वो कूलिंग नहीं है। टेम्परेचर 11, 12, 14, 15 इतने पे रह जाता है, इससे माइनस में नहीं आता टेम्परेचर। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे और इसको सही करेंगे, इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो हमने ये चेक किया, ये मीटर लगा हुआ है इसमें, डिजिटल मीटर। इसमें सेटिंग 2 की है पर इसे यहाँ तक 2 तक आता नहीं है। ये भी 11 पे आया और ऐसे ही इसमें 11, 12 इससे नीचे आता ही नहीं है। तो आज हम इसी को चेक करेंगे और चेक करने के ही आपको बताएंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है और क्या है। ये चार्जिंग वाला आप देख रहे हैं, तो इसमें ये चार्जिंग वाला देख लो, कहीं इसमें लीकेज ना हो। इसको चेक करने का सबसे पहला स्टेप क्या है कि इसमें मल्टीमीटर लगाओ और इसमें वर्किंग कंडीशन पता चल जाएगा कि लोड तेरा, हाँ इसमें 2.1 एम्पियर है, मतलब कंप्रेसर इसका रनिंग कंडीशन में है, बट इसकी कूलिंग बहुत कम है। तो सबसे पहले आप इनके जितने भी जॉइंट हैं, तो जॉइंट को आप सबसे पहले जॉइंट को चेक करें, और जॉइंट जितने भी हैं चेक करने के बाद इसमें आप प्रेशर गेज लगा के आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसमें सारे जॉइंट जितने भी हैं वो जॉइंट चेक कर रहे हैं, और जॉइंट चेक करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें लीकेज हो जाता है और लीकेज की वजह से प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होने की वजह से भी कूलिंग कम करता है, और या तो प्रेशर ज़्यादा हो, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से भी कूलिंग में फ़र्क पड़ता है। तो इसी को हम पहले सबसे पहले इसके जॉइंट चेक करने के बाद इसका प्रेशर चेक करेंगे, और प्रेशर चेक करने के बाद ही हमें फाइनल पता लगेगा कि इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, गैस है या नहीं है। हमने इसमें अभी तो कुछ डाला नहीं, ये एक बार रिपेयर हो चुका है, तो उसके हिसाब से हम अपना गैस लगा के और जितना पिछला प्रेशर था उसके हिसाब से जितना इसके रिक्वायरमेंट प्रेशर है, रनिंग प्रेशर, उसको हम चेक करेंगे कि रनिंग प्रेशर इसमें है या नहीं है। तो इसमें प्रेशर गेज हमने लगा दिया है, और प्रेशर गेज लगाने के पता चलेगा कि हमारे पास इसमें प्रेशर कितना आ गया है। तो इसमें प्रेशर इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रेशर ज़्यादा है, ये आपको स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा होगा। तो इसका प्रेशर ज़्यादा है और इसका प्रेशर हम निकालेंगे और इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका प्रेशर सेट करेंगे। तो प्रेशर सबसे पहले इसका प्रेशर मेंटेन किया जाए कि प्रेशर कितना है। तो प्रेशर मेंटेन करने के बाद ही आगे की पता चलेगा कि आगे प्रॉब्लम कितना कहाँ पे है, इसके लीकेज कहीं है नहीं। जॉइंट में जितने भी हैं लीकेज हमने चेक किया, लीकेज है नहीं कहीं भी, बस प्रेशर इसका ज़्यादा था। तो हम प्रेशर इसका निकाल देते हैं, धीरे धीरे करके प्रेशर निकाल दो, और प्रेशर सेट हो गया और ये आप देख रहे हैं इसका टेम्परेचर आ रहा है, धीरे धीरे माइनस में आ रहा है। अभी 11 था, अभी 11 से 8 आ चुका है और धीरे धीरे इसको माइनस में आ रहा है। इसकी 2 पे सेटिंग है, ये 2 पे सेटिंग है इसकी। ये मीटर में 0 दिखा नहीं रहा, 9 आ रहा है, 0 की जगह पे 9 दिखा रहा है। तो आप इसको 97 या 98 ऐसे ना समझें, ये 0 है, 07। तो 07 डिग्री सेल्सियस पे अभी वर्किंग में चल रहा है, यहाँ पे पानी आ रहा है। ये चार्जिंग वाला आपको दिखाई दे रही होगी कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में, ये फ़ैन लगा हुआ है यहाँ पे, ये एक इसका कंट्रोलर है। अब 07 आ गया है, टेम्परेचर कंटिन्यू घटता हुआ आ रहा है। अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा 3 पे आ गया है। तो कहने का मतलब इसमें प्रेशर ज़्यादा था और हमने प्रेशर इसका मेंटेन किया, तो टेम्परेचर इसका अब ये 02 पे आ गया है। ये 92 आपको दिख रहा होगा, लेकिन 92 नहीं है, ये 02 है। तो जहाँ पे कंप्रेसर की सेटिंग है, थर्मोस्टेट की जहाँ पे सेटिंग है, वहाँ तक ये आ गया है। अब ये अपने कंप्रेसर को बंद कर देगा। कंप्रेसर बंद करते ही जैसे ही टेम्परेचर फिर वापस जाएगा, इसके बाद अपने आप ही वर्किंग में आ जाएगा। तो अभी ये कंप्रेसर रनिंग में है, और जैसे ये माइनस 2 से नीचे आएगा कंप्रेसर अपने आप ही बंद कर जाएगा। और ये हमारा सक्सेसफुल रहा कि प्रेशर निकालने पे ये डाउन हो गया है। तो आप इस तरह से आप इस प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी हमें पता नहीं लग पाता, लेकिन प्रॉब्लम कभी कभी ऐसे फेस करना पड़ सकता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम थी, और इसको अब हम इसको आगे देखते हैं कंप्रेसर चलता है या
नहीं चलता है, तो एक पे आ गया है और कंप्रेसर बंद हो गया है। तो कंप्रेसर बंद होने के बाद आगे देखते हैं कि कंप्रेसर चलता है या नहीं चलता है। अभी भी कंप्रेसर इसका वर्किंग कंडीशन में है, 1.6 एम्पियर के आसपास का इसका लोड शो कर रहा है। अभी ये कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में है, और रनिंग में अब प्रेशर मैंने डाउन जब किया है तो इसके बाद कूलिंग बढ़नी चाहिए। तो कूलिंग आपको दिखा देते हैं कि कूलिंग बढ़नी चाहिए, तो कूलिंग इसकी सेक्शन पाइप है जो इस पाइप में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आइस आ गई है। आइस आने का मतलब यही है कि कूलिंग ज़बरदस्त हो जाएगी इसकी, और ये पहले आइस इसमें आ नहीं रहा था, पानी पानी से आ रहा था, अब इसमें आइस आना शुरू हो गई है। तो ये फ्रिज अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, और आपको दिख रहा होगा कि कंप्रेसर अभी बंद हुआ होगा। तो बंद होने के बाद ये इसका जो टेम्परेचर है बढ़ रहा है, 9, 8, 9, 10 इस तरह से ये बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद हम देखेंगे कि कंप्रेसर चलता है या नहीं चलता, और चलने के बाद हम देखते हैं कि इसमें माइनस आता है या नहीं आता है। तो वीडियो में आप बने रहिए और आगे देखते हैं। कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में है, कंप्रेसर चालू हो गया है, और हम इसके वेट करते हैं कि ये टेम्परेचर जो हमने अभी काम किया है कि चलता है या नहीं चलता है। तो हमने इसको चला दिया है और कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में है, और इसका कवर बंद करके, और हम आगे देखते हैं कि इसमें टेम्परेचर माइनस में आता है कि नहीं आता है। तो अभी भी लोड में लगा के आपको दिखा देता हूँ। लोड इसमें अभी भी है, इसमें 1.67 के आसपास है, जो कंप्रेसर रनिंग कंडीशन को दिखा रहा है कि कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में है, और पाइप गर्म भी हो रही है, जो डिस्चार्ज पाइप है गर्म होनी चाहिए, गर्म भी हो रही है, बढ़िया काम कर रहा है, और यह टेम्परेचर 11 पे आ गया है।